bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum i hope you all are fine and staying safe and happy at your homes i am your gk teacher Ms. farheen and i welcome you all to your gk class my dear students as you know that we are on unit number three conservation of natural resources and today is a sixth lecture my dear students you remember that uh, in previous two lectures we discussed about endangered animals and extinct animals so quickly tell me what are endangered animals <clears throat> very good the animals which are near to extinction, their count is extremely less, are called endangered animals. Now, quickly tell me what are extinct animals? Very nice. The animals which no longer live on Earth are called extinct animals, or uh, whose last member has also died and they no longer exist on Earth are called ex extinct animals. So, my dear students, let's quickly look at today's objective. Today, we will make a project. This project uh, is related to pollution. We already kafi about pollution. You defined uh, the term pollution and you also identified different uh, types of pollution uh, like wind, uh, air pollution, uh, land pollution, water pollution.

दीज आर टू टाइप्स ऑफ पोलूशन स्मोक जो है आपकी एयर पोल्यूशन में हो एयर पोल्यूशन है और नॉइज जो है इट इज रिलेटेड टूट अनों को जो है वो अच्छा नहीं लगता भला नहीं लगता दैट इज कॉल्ड नॉइज सो कैसा महसूस होता है आपको येस अनकंफर्टेबल फील करते हैं यू फील बैड So my dear students from here we will move forward towards page number 36 quickly open the page so that we will start the project I hope everybody has opened to page number 36 first of all i will guide you about this project project number 2 here you can see on your screen you probably have listened uh, from or read about worsening of air water and land quality everyone seems a victim by a way or other योर टास्क इज टू ऑब्जर्व योर एरिया एंड फाइंड आउट द पोलूशन टाइप दैट यू एंड योर नेबर्स आर सफरिंग फ्राम आइडेंटिफाई द रूट कॉज एंडस्ट दल्यूशन इन द गि टेबल सो माई डियर स्टूडेंट्स आपको पता चल आ, पता है आपने सुना भी होगा पढ़ा भी है कि पोलूशन की वजह से हवा बहुत खराब हो रही है पानी की क्वालिटी खराब हो रही है इवन योर लैंड विच यू आर वे यू आर लिविंग वो भी जो है बहुत गंदा होता जा रहा है आपको आज क्या करना है इस प्रोजेक्ट में कि आप जिस एरिया में रहते हैं आपको उसको ऑब्जर्व करना है और कौन सी तरह की पोल्यूशन वहां पाई जाती है और आपको डेली बेसिस पे आपको और आपके नेबर्स को फेस करनी पड़ती है यू हैव टू ऑब्जर्व दैट और उसके बाद आपको ये टेबल में प्रॉब्लम रूट कॉज एंड सोल्यूशन थ्री कॉलम्स आपको दिए गए हैं सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम है वो बतानी है कि प्रॉब्लम क्या है कॉज क्या है उस पोल्यूशन का एंड देन यू हैव टू गिव सोल्यूशन कि कैसे आप जो है इसको सॉर्ट uh, आउट कर सकते हैं इस इशू को सो so मैं डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे अपने एरिया के बारे में डिस्कस करूंगी वेयर आई लेव वहाँ गार्बेज बहुत ज्यादा है लैंड पोल्यूशन बहुत एक्सेस में है um, इसके अलावा सिवरेज सिस्टम जो है वो भी प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से पानी जगह जगह कूड़े के पास खड़ा हो जाता है एंड इन समर्स देर वॉज मैसेव ब्रेक आउट ऑफ डेंगी Um, जिसकी वजह से मच्छर जो है वो ब्रीड करते हैं ये गंदगी में पानी खड़ा जहाँ हो जाता है यहाँ पे इनकी ब्रीड होती है जिसकी वजह से डेंगी जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में फैला था इवन आई सफर्ड फ्रॉम इट माई फैमिली मेम्बर्स और ऑफ पीपल वर सफरिंग फ्रॉम डेंगी तो ये सारा जो है वो इसी कूड़े की वजह से और सिवरज सिस्टम के खराब होने की वजह से प्रॉब्लम्स uh, हमें फेस करनी पड़ी थी नाउ व्हाट यू विल डू इज टाइप ऑफ कॉलम जिसमें प्रॉब्लम रूट कॉज एंड सोल्यूशन आपकी बुक में इनफ स्पेस नहीं है सो वी विल यूज योर नोटबुक आप अपनी नोटबुक ये कॉलम बनाएंगे थ्री पोर्शन uh, में डिवाइड करें प्रॉब्लम रूट कॉज एंड सोल्यूशन सो द प्रॉब्लम इन माई एरिया इज नो प्रॉपर डिस्पोजल डिस्पोजेबल डिस्पोजल ऑफ गार्बेज कूड़ा प्रॉपर उठाने का कोई इंतजाम नहीं है और सिवरेज पाइप जो है वो जगह जगह से ब्रोकन है और उनमें लीकेज भी है तो अब इसका रूट कॉज क्या है सोसाइटी गार्बेज डिस्पोजल टीम इज नॉट वेरी एक्टिव तो सबसे बड़ा इसका कॉज ये है कि जो आपकी सोसाइटी में जिन लोगों को ये टास्क असाइन होता है कि वो कूड़ा जो है उसको प्रॉपर टाइम पे उठाएं और उसके बाद उसको प्रॉपर जगह पे डिस्पोज ऑफ किया जाए दे आर नॉट वेरी एक्टिव क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और गार्बेज टीम जो है वो बहुत स्लो है सो so, इसका ये है कि disposal, disposal, uh, disposal team, uh, daily. Daily है कि गार्बेज डिस्पोजल डिस्पोजल टीम मस्ट ट्रैश ट्वाइस डेली डेली जो दो दफा गार्बेज उठाया जाए क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है लोग दो दफा का कूड़ा जो है वो दो से ज्यादा दफा भी फेंक देते हैं घर से बाहर ट्रैश बिन uh, जो रखे हुए हैं उनमें रख देते हैं uh, और सोसाइटी रेजिडेंट्स जो है क्योंकि अगर आपकी uh, कुछ म, हमने पहले ये बार बार हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि अगर आपकी कुछ uh, राइट्स हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं अगर आपका ये राइट right है कि आ, कूड़ा उठाने वाले जो है आ, वो कूड़ा उठाए तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप प्रॉपर तरीके से उसको बांध के रखें और सिर्फ दो दफा ही जो है वो घर से बाहर आप अपने कूड़े को रखें इससे ज्यादा दफा ना रखें अदरवाइज डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं कैट्स एंड डॉग्स स्ट्रे कैट्स एंड डॉग्स जो होते हैं वो अम्म उसको जो है ओपन कर देते हैं जिसकी वजह से जो है वो बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ता है तो so सोल्यूशन कि गार्बेज डिस्पोजेबल टीम जो है वो दो दफा गार्बेज उठाएगी और सोसाइटी रेजिडेंट्स जो है वो दो दफा से ज्यादा जो है कूड़ा अपने टाइमिंग्स टाइमिंग्स के ऊपर सिर्फ जो है वो बाहर बाहर अपने घर के ट्रैश कैन में रखेंगे सो दिस इज हाउ वी कैन मेक आर सोसाइटी अ बेटर लिविंग प्लेस और डिजीजेस और सिकनेस जो है उस भी उसको भी जो है वो कम से कम जो है वो किया जा सकता है इस तरीके से सो माय डियर स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिस

So, number one will go with this picture. So, this is how you will match the rest of the uh, ways to um, prevent pollution. Throw trash in proper places, avoid burning trash, uh, use bicycles, use prop paper bags, and recycle things. So, this is, these are the different ways in which you can prevent pollution and match them with the pictures. Complete the worksheet and submit it to your teacher. सो माई डियर स्टूडेंट्स योर होमवर्क फॉर टूडे इज रीड यूनिट नंबर थ्री पेज नंबर ट्वेंटी सेवन टल थर्टी थ्री सो माई डियर स्टूडेंट्स कम्प्लीट आपको जो है यूनिट नंबर थ्री को रीड करना है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो है इट इज अबाउट द रिव्यू एंड आई विल टेक एन असेसमेंट ऑल्सो सो माई डियर स्टूडेंट्स द रैप अप ऑफ द लेसन इज वी कैन मेक आर एनवायरमेंट बेटर बाई ग्रोइंग मोर प्लांट्स आप अपने एन्वायरमेंट को बेहतर बना सकते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूट आप कैसे करेंगे आप प्लांट्स लगाएं जिससे पोल्यूशन जो है वो बहुत कम हो जाती है ऑक्सीजन या साफ हवा हमें मिलती है और प्लांट्स जो हैं वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और ये सोसाइटी uh, को और हमारे अर्थ uh, को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं आई होप यू के यू विल कॉन्ट्रीब्यूट टू मेक योर सोसाइटी अ बेटर प्लेस अ गुड डे अल्लाह हाफिज